बेपरवाह प्यार। मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? नाम, कोड और पर्सनल नंबर। बाढ़ में जाऊं? ठीक है। क्या कर रही हो? कुछ ऐसा जिससे तुम सब बोल दोगे। प्लीज मत करो, मुझे याद आ गया। तो तुम्हारी आंखें देखनी है। अब बोलो। किंजेच, डेनियल किंजेच। मुझे पता था। और तुम्हारा मिशन? तुम्हें मरते दम तक प्यार करता। मिशन इम्पॉसिबल। डैनियल, तुम ठीक तो हो? सांस लो। मुझे लगा कहीं तुम मर तो नहीं गए, बदमाश कहीं के। ब्रेकिंग न्यूज, एक मिलियनर को उसकी मिस्ट्रेस ने शॉक दे दिया। हैप्पी बर्थडे। अभी कौन होगा? चिंता मत करो, वो नहीं है। तुम्हें कैसे पता? क्या मुसीबत है, खोलो मुझे। तुम्हारे प्रेजेंट का क्या? बाद में तैयार रहना। तुम्हें पता भी है टाइम क्या हो रहा है? मुझे क्या पता, इन सब के लिए मैंने तुम्हें रखा हुआ है। हैप्पी बर्थडे टू यू डियर चीफ। तुम बहुत ही शाने पकाओ हो। 5 मिनट है आपके पास। ठीक है। हाय मिस्टर पकाओ। कॉफी तुम्हारे लिए नहीं है? तुम एक और कप बना लो दीमा। मिस्ट्रेस आती जाती रहती है, पर पार्टनर्स हमेशा रहते हैं। पार्टनर और तुम, खुद को देखा है? पता है ना उसकी 3 हफ्तों में शादी होने वाली है। हाँ, उसने इस खुशी में मुझे एक गार्नेट ब्रेसलेट भी दिया है। तुम्हारा काम पता है ना? वही पुराना काम, बिल्कुल तुम्हारी टाई की तरह। तो अगली बार थोड़ा आराम से करना। ओ हाँ मास्टर, थिएटर जा रही हूँ। मैं कॉल करूंगा। दो मुझे। ये सब बंद नहीं करोगे ना? लॉरा के बारे में सोचा है? हाँ, तो उसका क्या? उसे पता चल गया तो? नहीं चलेगा, जब तक तुम उसे नहीं बताओगे। बताओगे तो नहीं ना? आखिर रीटा में ऐसा क्या है जो लॉरा में नहीं है? एक अच्छी विस्की और एक सेमी स्वीट वाइन में क्या फर्क है? मुझे इसकी समझ नहीं। समझोगे भी नहीं। तुम जेलस हो क्योंकि मेरे पास 2 लड़कियां हैं और तुम्हारे पास एक भी नहीं है ना? और पता है ऐसा क्यों है? लड़कियों को लालची बंदे नहीं पसंद। बस कीजिए। हाँ सच में, पैसे बचाने की बजाय खर्च करना सीखो। आपके पास पैसे हैं, आप ऐसा कर सकते हैं। मेरी ड्यूटी अलग है और मैं कंपनी के साथ लॉयल रहना पसंद करूंगा। तुम क्या हमेशा से ही ऐसे हो? बचपन से ही? ये मुंह पे अजीब सा चश्मा, एक पिगी बैंक और कुछ सिक्के जिन्हें तुम बार बार गिनते रहते हो, सही कहा ना? अब सबकी किस्मत आपकी जैसी तो नहीं हो सकती? नहीं मिस्टर कंजूस, ऐसा कुछ भी नहीं है। योर हाइनेस, अब आप अंदर बैठेंगे? तुम अपने लिए नई कार कब खरीदोगे? क्या मैं तुम्हें अच्छी सैलरी नहीं देता? क्या आपके लिए टैक्सी मंगवाऊ? क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें कोई अपनी कार दे दूं? अरे सीरियसली पूछ रहा हूं। आप आएंगे या नहीं? लॉरा के साथ आपको 11 बजे ब्रेकफास्ट करना है, मातवे इवानोविच के साथ 12 बजे मीटिंग है, फिर जर्मन्स के साथ 1 बजे मीटिंग है और 4:30 बजे रेस्टोरेंट पहुंचना है।
रात को 11 बजे के बाद आपको अपने फेवरेट नाइट क्लब भी जाना है। घड़ी के अलावा आपके लिए मेरी तरफ से एक तोहफा लाया हूँ। ऑसम मेरी जान डीमा, तुम मेरे हीरो हो। वैसे मुझे एक बात बतानी है। क्या ये कार 80 से ऊपर जाती भी है? कम ऑन, भगाओ, स्पीड अप। मैं रूल्स के हिसाब से ड्राइव करता हूँ। सीट बेल्ट लगाइए प्लीज। बहुत बड़े सरदर्द हो तुम। डैनियल, आपको याद है 1 साल पहले हमारे बीच में क्या बात हुई थी? याद तो नहीं, पर लगता है तुम याद दिलाने वाले हो। पार्टनर्स बनने के बारे में बात की थी। सच में 1 साल हो गया? यकीन नहीं होता। आपने कहा था कि एलीट हॉल वाली डील के बाद आप मुझे 100% पार्टनर बना देंगे, और अब हमने डील भी क्रैक कर ली है। मैं तुम्हें बोनस दे दूंगा, बताओ कितना चाहिए। क्या बोनस? पर आपने तो पार्टनरशिप की बात की थी। सुनो, आज मेरा बर्थडे है, तुम्हारा नहीं। बाद में बात करेंगे, ठीक है? पर कब करेंगे? आप कब डिस्कस करेंगे? दिमाग चाटना बंद करो। मैं 1 साल से गधे की तरह काम कर रहा हूँ, जी जान लगा के काम कर रहा हूँ। गधे नहीं, घोड़े। हम संडे को पोलो खेल रहे हैं, हमें ज्वाइन करना चाहोगे? किंसेज, गुडसेंको। इस बार मैं रिकॉर्ड करूंगा, तो प्लीज आप बुरा मत मानिएगा। क्या तुम सच कह रहे हो? झूठ पसंद नहीं। सॉरी बड़ी, तुम्हें वेट करना होगा, शायद अगले साल तक। एक और साल? तुम किस तरह के पार्टनर बनोगे? ना तुम्हारे पास बिजनेस सेंस है, ना ही करिश्मा, लेकिन तुम बन सकते हो एक अच्छे असिस्टेंट। तुम शांत हो, अच्छे हो, पर रिस्क नहीं ले पाते हो। मैंने स्पीड बढ़ा दी है, अब अच्छा लग रहा है ना आपको? थोड़ी और स्पीड बढ़ाओ। हाँ, स्पीड बढ़ाओ, बढ़ाओ। आपको यही सब पसंद है ना? ना काम, ना क्वाइट, रिस्क लेने वाला इंसान। तो क्या अब मैं आपका पार्टनर बन सकता हूँ? तुम क्या कर रहे हो ब्रो? कड़क। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये कैसे हो गया? हे भगवान, मेरी गाड़ी का ये मेरी मेहनत की गाड़ी। अंधे हो क्या? दिखता नहीं, तुम कहाँ जा रहे थे? जिंदगी में कभी सेफ डिस्टेंस के बारे में सुना है क्या? मैं राइट लेन में अपनी गाड़ी चला रहा था, आप ही अपनी गाड़ी लेके बीच में आ गए। अच्छा बेटा, तो अब तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो। पर गलती आपकी है। इतना करने के बाद तुम अपना लाइसेंस तो साथ में लाए हो ना? क्योंकि मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। लो, मैं आ गया। पुलिस को बुलाओगे? सच में? बताओ कितने पैसे चाहिए। नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। मैंने तुम्हारे जैसे लापरवाह और बदतमीज बहुत देखे हैं। आ गया बड़ा। ए, पहले अपना लाइसेंस दो। तेरी तो इधर। डैनियल, आराम से। बात समझ में नहीं आ रही बुड्ढे, तुझसे अच्छे से बात कर रहा हूँ तो नाटक कर रहा है। मुझे छोड़, कमी ना फिर बताता हूँ। डैनियल, जाने तो इसे छोड़ दो। अगर तुम अपनी खटारा कार को बेच भी दोगे तो हमारी कार ठीक नहीं करा पाओगे। अब मुझे बताओ तुम्हारा लाइसेंस कहाँ है? मेरी कार में है, वाइसर के पीछे रखा। लेकर आओ। जाने दो। जाओ, लेकर आओ। चलो तो अब हमारी बात आगे बढ़ाते हैं। अगर तुमने अपना घटिया अपार्टमेंट भी बेच दिया ना, तब भी मेरा पैसा नहीं चुका पाओगे, क्योंकि बदतमीजी का भी हिसाब चुकाना होगा। मैं तुम्हें ये वापस कर दूंगा अगर माफी मांग लोगे। समझ गए? अच्छे से समझ गया। चलो अब। I'm sorry. क्या हुआ सर, आप ठीक तो है ना? एम्बुलेंस बुलाओ, इनकी हालत सीरियस है, डॉक्टर की जरूरत है।
आपने गलत किया। तुम्हारा दिल बहुत कमजोर है दीमा। कोई भी बुड्ढा खुसर तुम्हारी क्लास लगा देता है और तुम्हें पार्टनर बनना है। इसके लिए तुम फिट नहीं हो। दानिल बोरिसोविच दोमोवे, क्या नाम है? मेरी जान, हैप्पी बर्थडे टू मी। हैप्पी बर्थडे टू यू। ऑफिस में मिलते हैं। सच में कमाल का आदमी है। हाँ वाकई, क्या किस्मत है, क्या जिंदगी है। अच्छी लगी, काफी विंटेज है ना। तुम मुझे बिगाड़ रही हो वाइफी। फिर से कहो ना प्लीज। मेरी वाइफी। सुन के कितना अच्छा लग रहा है। क्या तुम्हें एहसास है कि 3 हफ्तों में तुम और मैं नहीं होंगे, बस हम ही हम होंगे। डर तो नहीं लग रहा तुमसे बुद्धू? अगर मैं अय्याश निकला तो क्या करोगी बताओ? तुम एक प्रिंस हो, मेरे प्रिंस। ओके, कट 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 विताली, आखिर चल क्या रहा है यहाँ पे? ये साउंड के साथ आखिर प्रॉब्लम क्या है? ये बैकग्राउंड से क्या नॉइज आ रहा है? लास्ट टेक फिर से करेंगे, पूरा टेक बिगड़ गया, लेकिन इस बार थोड़ा लाउडर। ओके प्लीज मुझे बताओ मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। ओ मेरे बेबी, ये सबसे बेस्ट वेडिंग फिल्म होगी। ओके सब लोग जलन के मारे मर जाएंगे, प्लीज संभाल लो ना, तुम सबसे बेस्ट हो। हम कंटिन्यू करने के लिए रेडी हैं। ओके एक्शन। तो हम कहाँ थे? तुम कह रहे थे कि अगर मैं अय्याश निकला तो। हाँ अगर मैं अय्याश निकला तो क्या करोगी? नहीं, तुम प्रिंस हो, मेरे प्रिंस। क्या बात है, बहुत खूब। तो शुरू कर सकते हैं? हाँ एक्शन। हम बस ऐसे ही टकरा गए थे। मेरी लाइफ में कुछ भी अनयूजुअल नहीं था। मैं 12 साल की उम्र तक इंग्लैंड में ही था। वो जो स्कैंडलस एग्जिबिशन हुआ था ना, वो न्यूड मॉडल्स, लेट पिकासो स्टाइल, समझ रहे हो ना मैं किसकी बात कर रही हूँ? मेरे पिता एक नोबल मैन थे, फिर भी हमारी लाइफ बहुत सिंपल थी। मेरे पेरेंट्स की डेथ के बाद मैंने ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएशन पूरी की और फिर हम यहाँ आ गए। किसी को तो देश का नाम रोशन करना था। वो मेरे पास आए और कहा। मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं थे। जितने भी रूमर्स हैं मेरे स्टार्टिंग मिलियंस के बारे में, वो सब झूठ है। उसने क्या कहा था? मैंने लोन लिया और एक कंस्ट्रक्शन कंपनी स्टार्ट कर दी। उसने कहा, मिस लगता है आपको भी यहाँ कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा, क्या मैं आपको यहाँ से भगा ले जाऊं? हाल ही में आपका नाम लिस्ट ऑफ द रिचेस्ट यंग मैन इन द कंट्री में फर्स्ट आया था। मैं सच में स्पीचलेस थी। आपके पास बॉडीगार्ड्स नहीं हैं, आपको डर नहीं लगता? सच बताइएगा। किस बात के लिए? बिजनेस ट्रांसपेरेंट है, डरने वाली कोई बात नहीं, कम से कम हमारे बिजनेस में तो नहीं। और मुश्किल हालात आने पर मैं भी टफ बन जाता हूँ। मैं वहाँ पर किसी और आदमी के साथ आई थी, मर गई डैनियल के साथ।
आपने बहुत से गोल्ड मेडल्स जीते हैं पोलो चैंपियनशिप्स में। घोड़ों को लेकर आपका पैशन, ये कहां से आया? मेरे बचपन से। बचपन में मैं पास के गांव में अपने दोस्तों के साथ काउबॉयज प्ले करने जाता था। गांव में? क्या कहा? वो इंग्लैंड के पहले की बात है। बस करें। क्यों? क्यों ना मैं अब अपनी फियांसे के बारे में बात करूं? बस एक मिनट अभी है। पता नहीं मात्वे इवानोविच ये तो बहुत ही ज्यादा लग रहा है। मैं तुम्हें ये शादी पे देना चाहता था लेकिन मैंने डिसाइड किया कि तुम्हें आज ही दे देता हूँ। अच्छे से इस्तेमाल करना। स्टेट लैंड कमेटी को इससे फायदा ही होने वाला है। उम्मीद है कि तुम इस शादी से भागोगे नहीं। लौरा का दिल दुखाया तो जान ले लूंगा। और प्रियो ब्राजेंस काया को वेट करना होगा। सभी इन्वेस्टर्स तो शुरू करने के लिए तैयार है। मैं काम शुरू करवा दूंगा, फिर हम हनीमून के लिए निकल जाएंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जरा इसे देखो। यहाँ सेंटर में कुछ पुराने अस्तबल हैं जो लॉन्ग टर्म लीज पर हैं, और लीज देने वाली एंटरप्राइज डिफॉल्ट कर गई है, और तुम्हारा काम केवल कंस्ट्रक्शन करवाना है। फिर भी तुम्हें इनसे निपटना होगा क्योंकि वो जमीने 10 साल और लीज पर रहेंगी, और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। हम उन्हें पैसे दे देंगे, और क्या चाहिए? ये इतना आसान नहीं है। वहाँ का डायरेक्टर परेशानी खड़ी कर रहा है। वहाँ के लोकल्स ने वो जमीन छोड़ने के लिए काफी समझाया, लेकिन हम उन्हें वहाँ से भगा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं घोड़ों के लिए भी जगह ढूंढ लूंगा। पार्टनरशिप को लेकर जो हमारी अरेंजमेंट्स है वो तुम्हें याद है जी? बिल्कुल। क्या हुआ? ब्रिटिश इन्वेस्टर्स आपका वेट कर रहे हैं। वैसे ये क्या हरकत थी? वो मुझसे नाराज है, चाहता था कि मैं उसे पार्टनर बना लूं। वो गॉड ऑफ अकाउंटिंग। वैसे वो ग्रो कर रहा है, कहते हैं ना होप से आदमी तोप बन जाता है। तो 10 एकड़ का ये बड़ा सा इलाका कैपिटल सिटी से करीब 20 किलोमीटर दूर है, यानी कि डाउनटाउन से केवल 20 या 30 मिनट का समय लगेगा कार से आने में। दीमा, तुम कुछ कहना चाहते हो? नो थैंक यू। अच्छा, ये अब तक का सबसे लार्जेस्ट एंटरटेनमेंट सेंटर होगा यूरोप का। फेज 2 में हम VIP रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज का 1/4 हिस्सा बनाने का प्लान कर रहे हैं। मुझे ही अच्छा लगा। तुम्हारा क्या ख्याल है मार्कस? हाँ, सही कहा। फ्यूचर के कंस्ट्रक्शंस को मेरे डेप्यूटी दिमित्री कुत्सेन को सुपरवाइज करेंगे। और एक बात, ये सारा आइडिया इनका ही था। हेलो। रिलैक्स। अपने फेवरेट बॉस के नाम पे एक जाम हो जाए। तुम्हें पता है ना मैं ड्रिंक नहीं करता, और तुम डांस भी नहीं करते। एग्जैक्टली। कुत्सेनको, तुम बड़े ही अजीब हो। हम आखिर दोस्त बने ही क्यों? अपोजिट्स अट्रैक्ट, सुना नहीं है क्या? गुस्सा हो रहा है? आपसे गुस्सा होना मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। मैं सोच रहा था कि आपकी फियांसी को आपसे चुराया कैसे जाए।
अच्छा मजाक कर लेते हो दोस्त, तुम्हारा ह्यूमर पसंद आया मुझे। बेबी, तुम दीमा से मीम क्यों हो रहे हो? वो कितना अच्छा है, उससे ही हमें इंट्रोड्यूस करवाया था। श्योर, उस एग्जीबिशन में याद है? ये हमारा क्यूपिड है। हमारे दीमा ने मुझे कुछ गुलाब दिए तो क्यूपिड ने चांस मिस कर दिया। हमें जाना होगा। ओ बेबी, क्या वो सुपर इम्पोर्टेंट मीटिंग कल तक इंतजार नहीं कर सकती? हमें इसी वक्त नहीं जाना होगा, जरूरी है। अगर यूएस में अभी सुबह है तो इसमें गलती मेरी नहीं है ना? तुम वर्कहॉलिक हो। वापस आके हिसाब चुका दूंगा। स्काइप कॉन्फ्रेंस एक बहुत ही अच्छा आइडिया था। क्या आप उससे प्यार करते हो? किसे? लॉरा को। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? बस ऐसे ही, मैं क्यूरियस था तो पूछ लिया। अपना आगे का काम सुन लो मिस्टर क्यूरियस। हमने ब्रिटिशर्स में इंटरेस्ट जगा दिया तो कल तुम्हें अस्तबलों पर जाके उन्हें निकालना होगा। ऐसा नहीं हो पाएगा, एपेलेशन होगी और कोर्ट की इयररिंग भी। कोर्ट की इयररिंग? पागल हो गए हो क्या? उन्हें वहां से धक्के मारकर या पैसे देकर निकालो, फिर भी ना माने तो रेडर अटैक करो। वैसे ये आइडिया अच्छा नहीं है, वो हंगामा करेंगे और मीडिया को बुलाएंगे जो ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं आएगा। ब्रिटिशर्स को फर्क नहीं पड़ता। लगता है तुम ये सब अवॉइड करना चाहते हो या डर गए तुम? आपको जो सोचना है सोचो। ओ अच्छा, हेलो मिस्टर वदीम, मैं डेनियल बात कर रहा हूँ। अस्तबलों के मामले में कुछ मदद चाहिए, कर सकते हो? ओह, तुम्हें पहले से ही पता है क्या? वाह बहुत ही अच्छे। अरे नहीं, इतनी जल्दबाजी मत करो, शुरुआत थोड़ी आराम से करो। सैनिटेशन, फायर सेफ्टी, वैसे तुम्हें ये सब मुझसे ज्यादा पता होगा। ठीक है, मेरा डेप्यूटी तुम्हें जो चाहिए वो दिला देगा, फिर सौदा पक्का रहा। थैंक यू सो मच। सुना, मेजर खुद ही सब कर लेगा, तुम्हें बस पैसे देने होंगे। यस सर। अरे कम ऑन, रिलैक्स, शहर में आग लगाने का वक्त आ गया है। आ गया पिट स्टॉप। मुझे छोड़ो भी जान, मैं एक मिनट में आती हूँ। अपने हाथ हटा। सॉरी।
लोग। लगता है शराब में धुत होकर पड़े हो। ए मानिया, मानिया, हट जा बकरी। ओह, बहुत शर्म की बात है। ये लो थोड़ा पानी पी लो। चलो, ये कुछ पैसे हैं, इनसे हैंगओवर उतारने की दवाई खरीद के खा लेना। चल मानिया, आ जाओ। चलो आ जाओ। चलो भी। क्या चाहिए तुम्हें? क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ? निकल वरना दांत तोड़ दूंगा। देखो ये मैं हूँ, प्लीज मुझे अपना फोन दो। ये तुम हो? तो ये मैं हूँ। साले बुड्ढे। निकल यहां से। बोला ना दफा हो जा। सुनता नहीं है। ओह, मैं कहां हूं गाइस? मेरे ख्याल से हम सन से तीसरे प्लैनेट पे ब्रो। क्या कोई मुझे बताएगा इस जगह का नाम क्या है? लॉस एंजेलिस है। नहीं भाई लोग, ये है मोंटे कार्लो। वेरी फनी। कुछ पैसे कमाना चाहते हो कमीनो? क्या कहा तूने? मुझे सिटी लेकर चलो, मैं तुम्हें 300 रुपए दूंगा। ओह वाओ, तुम्हें ये पहले कहना चाहिए था। ये कस्टमर मेरा है समझे? नहीं, वो तुम्हारी खटारा में नहीं बैठेगा। तुम मेरे साथ चलो, मेरी गाड़ी उससे अच्छी कंडीशन में है। रिलैक्स गाइस, मैं इसे लेकर जाऊंगा, ये मेरा कस्टमर है। आइए ना सर, मेरी लिमो में आइए, आइए। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? हाँ जानता हूँ, तुम बॉस हो। तुम्हें बहुत पछतावा होगा कमीनो। जगह का नाम क्या है? यह जगह प्रियो ब्रिजन्स का है। लगता है बड़ी जबरदस्त पार्टी की है। ये लो मेरे पास बस यही बचा है, रख लो इसे। क्या हो गया बड़ी? ये प्रियो ब्रिजन्स का है, अपना बर्थ प्लेस आप खुद नहीं चुन सकते। सिटी ले चलोगे? पहले मुझे पैसे दिखाओ, मैं वहां पहुंच कर दे दूंगा। सॉरी, नो चांस। सुनो ये लो।
इंदिरा तू ही चोरी करता है ना, आ गया हाथ में। कमीना अब तो तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा, देख मैं क्या करता हूँ। साला अनाथ गुंडा कहीं का, तू करने लायक बचेगा ही नहीं। उसे जाने दो। ओ, उसके दोस्त हो क्या, मुझे मारने आए हो? मेरा पहले से दिमाग खराब है। देखो ये कितना बदतमीज है, क्या किया इसने मेरे साथ। हाँ मॉम। ये तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस कॉफी बॉइल हो गई। क्या ये लुवाक है? हमारी रेगुलर कॉफी खत्म हो गई थी। मैंने तुमसे कितनी बार खाया डीमा, वो सिर्फ गेस्ट्स के लिए है। मैं आपके लिए ये वाली कॉफी और ला दूंगा, आपको जितनी चाहिए उतनी ला दूंगा, वादा करता हूँ। वही तुम्हारी जानकारी के लिए तुम्हें बताना चाहती हूँ डीमा, के बेलेरिन विक्टोरोविच ने ये कॉफी इंडोनेशिया से खरीदी थी और वहां पे भी ये काफी महंगी थी। तुमसे बात कर रही हूँ। जो उबल कर गिर गई और उसकी कीमत मैं आपको दूंगा, आपको जितनी चाहिए उतनी लाके दे दूंगा। यकीन नहीं होता लेकिन तुमने मुझे स्पीचलेस कर दिया है डीमा। मैं अपने सभी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि तुम्हारा इकोनॉमिक्स में मेजर करने का फैसला एकदम सही है, पर ये कभी भी भूलना नहीं चाहिए कि लाइफ में हर चीज को पैसों से नहीं तोल सकते, बिल्कुल भी नहीं। ह्यूमन स्पिरिट इन्फिनिट और प्राइसलेस होती है डीमा। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पापा और मैं, हम दोनों प्रोफेसर हैं और हमारी सैलरी भी ज्यादा नहीं है, पर वो हमारे लिए काफी है क्योंकि लाइफ में पैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं। फिर आप हमेशा पैसों के बारे में बात क्यों करती हैं मॉम? यू नो, मुझे अब लगने लगा है कि हम दोनों जैसे दो अलग दुनिया में रहते हैं और विचार भी उतने ही अलग हो गए हैं हमारे। मॉम, मैं अर्थ पे रहता हूं और आप? चलो मेरे साथ आओ अभी के अभी। मॉम, सर्ज, सर्ज, तुम्हें तुम्हारे बेटे से बात करनी होगी। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वो कुछ ज्यादा ही मटीरियलिस्टिक हो गया है। सच है, मगर दुख की बात है, ये एक सभ्यता का अंत है। चलवा दूंगा, तोहफा हो जाए यहां से। क्या तमाशा चल रहा है? ओह थैंक गॉड, अच्छा हुआ आप आ गए। इन कपड़ों के लिए माफ करना, मैं गलती से यहाँ आ गया। मुझे मार कर किसी ने लूट लिया है और वो मुझे मेरे दोस्त मेजर से मिलने नहीं दे रहे, मदद कीजिए। तो मुझे अभी शहर जाना है। तो मुझे वहां ले चलो। कौन मैं? हाँ तुम या कोई और पुलिस वाला, वो लोग मुझे वहां ढूंढ रहे होंगे। कौन? मेरा सरनेम है किंजेविच, कुछ याद आया? डैनियल किंजेविच। ओ तुम लोकल पुलिस वाले बड़े बेवकूफ होते हो, अपना काम तो करो। डॉक्यूमेंट दिखाओ। मेरे पास अभी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ना कपड़े हैं ना पैसे हैं। मैंने कहा ना, मुझे मारकर लूट लिया गया था। किसने किया? मुझे नहीं पता। चलो चलते हैं, रास्ते में बता दूंगा। आओ मैं तुम्हें लिफ्ट देता हूँ। ये क्या कर रहे हो तुम? बकवास बंद कर। तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी नहीं है हरामखोर। अब मेरी बात सुन, मेरे टाउन में मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए,
यहाँ पहले से ही बहुत लोफर है। ये एक छोटा सा और शांत टाउन है, तुम इसे बोरिंग भी कह सकते हो, पर हम यहाँ खुश हैं और मुझे ये ऐसा ही रहे इसके लिए पैसे दिए जाते हैं, समझा? समझ गया। तुम्हें मैं एक फ्रेंडली एडवाइस देता हूँ, नहाओ और बाल कटवाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। पहली फुर्सत में निकल। ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। तो जाओ यहाँ से। आप चले जाओ, मुझे जहाँ अच्छा लगता है वहीं रहता हूँ। तुम्हारे पास फोन है? नहीं है। भूख लगी है क्या? ये लो। आपका नाम क्या है? क्या फर्क पड़ता है, कोई यकीन ही नहीं करता मुझ पर, यहाँ कोई भरोसा नहीं कर रहा। मैं डैनियल हूँ। और मैं आर्तियम सर्गेविच। प्यार से ट्यूमा बुला सकते हो। तुमने स्कूल से बंक किया ट्यूमा? हाँ। आपके साथ ये सब किसने किया? मुझे जल्द पता चल जाएगा। दर्द हो रहा है? डॉक्टर को दिखाया? हाँ, पर वो एग्जामिन करने के लिए नहीं मानेगा, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। कटरीना देख लेगी, वो सबसे अलग है। ये कटरीना कौन है? डॉक्टर है। मुझे उसके पास ले चलोगे? हाँ, पर वो इवानोविच की यहाँ है। कोई बात नहीं, मुझे एक फोन चाहिए बस। चलो फिर। ओके। अरे क्या कर रहे हो पगले? जरा देखो इसे, लेकिन यही अपना चैंपियन है। आप यहाँ रह सकते हैं, मैं अंदर जा रही हूँ। कैटरीना। इवानोविच, हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। रुको, मैं जाता हूँ। आपके बूढ़े पैरों के साथ तो नहीं इवानोविच। मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा। कैटरीना। इजी इजी, कम ऑन, स्टॉप, सब ठीक है। आराम से, आराम से। आजा आजा आजा, जल्दी जल्दी। आराम से, आराम से। आजा। बहुत दूर है क्या? नहीं, बस 5 किलोमीटर है। क्या हुआ डैनियल? उसे कुछ देर में अच्छा लगने लगेगा। बहुत शानदार। क्या तुम जलते हुए घर में भी जा सकती हो? हा? तुम जरा कम बोलो, नहीं तो ये तुम्हें भी इंजेक्शन लगा देगी। hey, इवानोविच, मैं इन सब के लिए बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। कटरीना, मैं एक पेशेंट लेकर आया हूँ। ट्यूमा, क्या तुम फिर से भाग गए थे? शांत हो जाओ, मुझे बाद में डांट लेना, वो आदमी बीमार है। कौन आदमी? ये आदमी ट्यूमा को मिला था, इससे ही पूछ लो। पर तुम्हारा ये पेशेंट बहुत नशे में है। हे भगवान, ये क्या बला है। वहाँ का डायरेक्टर परेशानी खड़ी कर रहा है। हम उन्हें वहां से भगा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम मुझे कहाँ लाए हो? क्या मतलब है आपका कहाँ लाए हो? यही इवानोविच का फार्म है। क्या
क्या ये सारा खेल तुम लोगों ने खेला है? इस बच्चे को मुझे लाने के लिए भेजा था ना? क्या हो गया? तुम कर क्या रहे हो? स्मार्ट मूव था। अब मैं समझ गया कि मुझे मारने के लिए उन गुंडों को किसने भेजा। कहीं से डीटीएस का दौरा तो नहीं पड़ रहा? नहीं, लगता है कि इसके सर पे गहरी चोट लगी है। शांत हो जाओ बड़ी, यहाँ तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। मैं तो अच्छा बर्ताव करना चाहता था, लेकिन अब मेरा असली रूप दिखाता हूँ। उसे जाने दो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। तुम बहुत हेल्प कर चुकी, अब तुम सबके सब जेल में सड़ोगे। टियोमा, रुको। केटी, नहीं। यहाँ पर मैं बॉस हूँ, आई बात समझ में? हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा, तुम ही हो। मैं तुम सबको यहाँ से निकाल के फेंक दूंगा, समझ गए? यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। फिक्र मत करो, वो ठीक हो जाएगा। एम्बुलेंस बुलाऊं क्या? हाँ, पागलखाने की एम्बुलेंस को, उसे सच में डीटीएस का दौरा आया है। देखिए, जरा देखो तो इसे, इसे होश आ गया। मैं कहाँ हूँ? आप फार्म पे हो, इवानोविच के। आपको चक्कर आ रहे हैं? ये इवानोविच कौन है? वो मैं हूँ। और ये बताओ, तुम कौन हो? मैं? हाँ, तुम। तुम डैनियल हो? नहीं हो? तो फिर तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम पता नहीं। ओके बड़ी, क्या सच में तुम्हारी याददाश्त चली गई? नहीं। क्या पागलपन है? इट्स ओके, कोई बात नहीं, काम डाउन, काम डाउन।